हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा रेशो ब्योर हो रहे थे दिन में बहुत ज़्यादा, तो हम लोग पहुंच जाते हैं शाम को ग्रास फॉर मैच देखने के लिए। मैच देखते हैं इतनी देर में अर्षित के ऑफिस टूटने का वक्त हो जाता है। तो हम लोग वैसे भी कुछ खाने के लिए निकले थे और अर्षित को बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि इसने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया था। मैंने तो इससे पूछा अभी के गद्दी पे फेविकोल डाल के बैठती हूँ क्या। खैर उसके बाद फिर हम और रेशो निकल गए, सब लोग टहल रहे थे इधर उधर, ग्रास फार्म की तरफ गए हम लोग। उसके बाद हम लोग एक जगह बहुत सारी भीड़ देखी बताशे के ठेले पे, तो हम लोग रुक गए, देखा कि कैसे बताशे होते हैं। लेकिन भाई ऊंची दुकान फीके पकवान वाला केस था, भैया के बताशे बेकलू है यार। दिन भर का भूखा आदमी जब शाम को चाउमिन खाता है तो वो कुछ इस तरीके से चाउमिन खाता है। करीब एक घंटा टहलने घूमने के बाद हम लोग घर आते हैं। शाम को देखते हैं तो दादा इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, ये प्रधान है जनता की सेवा कर करके इनका इतना बुरा हाल है कि ये गाड़ी हिला के फेंक देते हैं। उसके बाद तो यही ये कहानी का दूसरा पार्ट है क्योंकि इसमें हर्षित अब दादा को भूख लगी और हम लोग दादा के साथ जा रहे हैं। दादा थोड़ा जिम स्ट्रीक है तो हम लोग सबसे पहले मौसमी का जूस पीते हैं और सोचते हैं कि बाहर का कुछ ऐसा नहीं खाएंगे जो नुकसान करे, तो हम लोग मौसमी का जूस पी लेते हैं। आगे देखते हैं तो एक की गाड़ी रात में साइड में ठुकी हुई है, और इसलिए ठुकी है क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की कोचिंग बहुत सारी है, साले का ध्यान भटक गया होगा तो इसकी गाड़ी कोने में पड़ी है।